अपना मन मार के कमोलिका की जगह राणा तुंगा देख रहा होता वो। बीवी भड़कती, किस दिन तेरे राणा का तुंगा तोड़ूंगी मैं, जब तेरे राणा तुंगा। अच्छा बाद में और डिटेलिंग में जाने लगे ये लोग, हीरोइन की बिंदियां बदल गई। हाँ। नागिन वाली बिल्ली आती ना, हाँ। कमोलिका तो आदमी की बीवी जब ये नागिन वाली बिंदी लगा के आती ना, वो समझ जाता आज डसेगी ये। पहले एक सीरियल आता था करमचंद, हफ्ते में एक दिन आता था, संडे के दिन एक अपराधी पकड़वा के निकल जाता था, लगता था देश बिल्कुल सुरक्षित है, कोई क्राइम नहीं हो रहा। उसके बाद सीआईडी आया, ये रोज ही केस सॉल्व कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ा है, कुछ तो गड़बड़ा है। वो ऐसा लग रहा था यार देश में क्राइम खत्म ही नहीं हो रहा, इतना क्राइम हुआ भी नहीं जितने इन्होंने पकड़ लिए। कई बार तो ये अपने बंदों को भेज देते, तू क्राइम कर मैं पकड़ने आऊंगा। और एपिसोड खत्म होने के बाद ये जो एसीबी प्रद्युम्न होते थे, ये फिर बोल के जाते थे कुछ तो गड़बड़ है। उनसे किसी ने पूछा भी कि आप हर बार ये लास्ट में ये क्यों बोलते कुछ तो गड़बड़ है, बोलता अगर ये हमने बोल दिया कुछ गड़बड़ नहीं है ये तो हमारा शो बंद कर देंगे। अच्छा बाहर के जो क्राइम शोज देखो ना आप, उनमें प्रॉपर लैब होती है, वो चेक करते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, चेक करते हैं ये, अच्छा लैब में डाल के छुरी इस्तेमाल हुई है। हमारे यहाँ पे हाथ में पकड़ के दिखा देते हैं, हो ना हो ये सांडे के तेल का जहर है। अब तो घर के हर कमरे में अलग अलग टीवी हो गया, दादा दादी भक्ति प्रोग्राम देख रहे हैं, पत्नी अपने पति का मैच बंद करा के नागिन देख रही होती है, काम वाली भाई अलग ही कमरे में जाके क्राइम पेट्रोल देख रही होती है। वो देखने के बाद उसका पोचे पे ध्यान कम साहब पे ज्यादा रहता है कि इसके मन में मेरे लिए कुछ चलता नहीं रहा है। आजकल लेडीज सीरियल्स के अलावा कुकरी शो बड़ा देखती हैं, फिर जब पति भड़कता है ना सारा दिन कुकरी शो देखती रहती है, सब्जी एक ढंग की नहीं बनाई तूने, पत्नी भड़कती, फिर तुम भी तो सारा दिन कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, कभी बने हो? तो कहने का मतलब टीवी का हमारी जिंदगी में बड़ा प्रभाव है, टीवी से जुड़े बड़े मजेदार किस्से हैं सबकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मजेदार किस्सा है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन सर। सर मेरा नाम अंकित खनगवाल है, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। टीवी सर वैसे तो अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी इसके थोड़े से साइड इफेक्ट भी हैं। कैसे मतलब? सर मेरी वाइफ डेंटिस्ट है, मेरे साथ ही आई हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इनको खाना बनाना नहीं आता। अच्छा। और मेरी मदर कंजर्वेटिव हरियाणा फैमिली से है, तो वो सीरियल लेकिन लगातार देखती है टीवी में। अच्छा। तो रिसेंटली अभी मेरी वाइफ ने वही कुकरी शो आपने बताया ऐसे देख के कुछ शाही पनीर बनाया फर्स्ट टाइम। अच्छा। और मैं खा के उसकी तारीफ करने ही वाला था, जैसे ही मैंने बोला कि हाँ बहुत अच्छा बनाया, बैकग्राउंड के साथ आवाज आ गई सीरियल में, विहान तू तो जोरू का गुलाम बन गया। तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, उधर से बैकग्राउंड चल ही रहा था। हाँ। और मैं उधर से, मेरी मदर खड़ी हो गई, फिर मेरी वाइफ ने पूछा अच्छी बनी है, मेरी मदर ने कहा इतनी भी अच्छी नहीं बनी है। हाँ। दोनों के बीच में सर मैं बोल के निकल गया मेरा गला खराब है, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा। आदमी क्या करे, आदमी फंस जाता है, यू हैव टू लिव विद दैट। थैंक यू सर। हाँ मम्मी को बोलो ज्यादा बहू की कमी ना निकालने करे, बहू डेंटिस्ट है, कहीं दांत ही ना निकाल। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते हैं? जी मैडम। हाय कपिल। हेलो मैम, हाउ आर यू? लव यू ऑल। थैंक यू। लव यू ऑल। सॉरी वी लव यू। थैंक यू मैम, लव यू टू, शुक्रिया। मेरा नाम केसर खान है। और केसर जी? हाँ। अरे वाह क्या बात, सर्दियों में आया केसर। केसर गर्म होता है ना, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है। आप कहाँ से आई? पालघर बोईसर से आई। अच्छा जी, वहाँ भी थोड़े थोड़े पहाड़ है। हाँ, तो ये टीवी के लेके एक मेरा किस्सा है जी, कि जो आपने अभी बात की 80 और 82 की जी, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ भी टीवी नहीं था। अच्छा। तो हमारे नेबर में एक कलर टीवी आया। अच्छा जी। तो उनके यहाँ टीवी देखने के लिए मजदूरी करनी पड़ी मुझे। अच्छा, कैसे? वो ऐसे कि वो बोलती, उनका पहले था छाया गीत देखने का 4 आना 8 आना, तभी चित्रहार का, और उसी पैसे लेते थे आपसे? हाँ। और मूवी देखने का 1 रुपया। Oh। अच्छा। तो पैसे भी नहीं थे तो बेसिकली उन्होंने फिर तो धंधा खोला था ना फिर। हाँ। तो वो लड़की बोलती थी पड़ोस वाली कि अगर तुझे टीवी देखना है ना, तुझे मेरा थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अच्छा। तो मेरे साथ मेरा बर्तन घसा दे, फिर हम साथ में बैठ के टीवी देखते। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है जी। हाँ, उस टाइम पे हमने टीवी के लिए बर्तन घसा। अगर शायद वो टाइम पे आपका शो आता तो शायद उनका पूरा घर का काम मुझे करना पड़ता। अभी हमारे यहाँ 2 टीवी है और दोनों पे वीकेंड पे 9:30 कपिल शर्मा रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया। एक्चुअली ऐसा होता था पता,
जिनके यहाँ टीवी होता ना, बड़ी गुंडागर्दी करते थे, दादागिरी होती थी उनकी। हमें तो सर्दियों में जाते थे टीवी देखने, तो जमीन पे बिठाते थे, खुद सोफे बैठ के कंबल लेके, और हमें जमीन पे ये नहीं सोचते थे बच्चे की निकर फटी हुई नीचे। हाँ, एक बार एक बच्चा ऐसे ना खिड़की में से टीवी देख के आ रहा था घर पे, बाप भड़क गया, कहाँ जा रहा तू? मैं टीवी देखने गया था उधर, पड़ोसियों के घर में टीवी देखने गया था। कहता कौन सी फिल्म देख रहा था? कहाँ से देखी तूने? मतलब खिड़की में से। मतलब क्या देखा? उसमें ना हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ता है और फिर वो उसको हक कर लेता है, और फिर जब उसको हक कर लेता है फिर लाइट चली जाती है। बाप दो थप्पड़ मारता है, बदतमीज क्या क्या देख के आ जाता है, उनके घर में तो टीवी नहीं है। माहौल ऐसा था उस समय उनके घर में तो टीवी नहीं। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो इतना मैम। सर मैं गुजरात के एक छोटे से गांव से हूँ। कितने छोटे? मैं कच्छ से हूँ, कच्छ भुज से। कच्छ से? अच्छा। मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीवी की वजह से मेरी लाइफ बहुत रंगीन हो गई है। अरे वाह। रंगीन मतलब? जी मैं शादी का वीडियो बनाता हूँ। आप करते हैं वो सब कैप्चर? जी। तो आपकी जान को तो बड़ा खतरा रहता होगा। सर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हमारे में रिवाज ऐसा है कि सगाई हो या शादी हो, माँ बाप जहाँ तय करते हैं वही होती है। वो शादी की रात को पता चलता है कि लॉटरी निकली है या काटा हुआ है। तो फिर आपकी लॉटरी निकली के घाटा हुआ? लॉटरी निकली। तो फिर सामने वाले का घाटा हुआ। चलिए बड़ी अच्छी बात। तो फिर तो मेरी सगाई होगी। अच्छा। मैंने देखा नहीं था मेरी वाइफ को, उससे अच्छा। बात करना था। अच्छा। लेकिन नंबर कैसे भेजूं? हाँ। तो बाद में एक आइडिया आया। क्या? किसी से मैं पूछूं तो बात पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी कि ये लड़का नंबर मांग रहा है। हाँ। तो चप्पल में ले गए। हाँ। तो क्या किया मैं, जो सीडी बना था हमारे में केबल में, जिसका भी शादी होता है उसका सीडी एक बार केबल में लगता है। हाँ। तो क्या हुआ, मुझे बात करना था, जानना था उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद। तो मैंने जो सीडी बनाई थी शादी की उसके नीचे हेडलाइन लगा दी, वीडियो बाय कमलेश पटियार मनफरा मेरा। अच्छा, गांव। फिर दूसरे दिन फोन आ गया। वाह। तो सिर्फ उन्हीं का आया कि और भी लोगों के आए? नहीं, और लोगों का भी, यहाँ बोलूंगा तो घर पे मार पड़ेगी ना। अच्छा। तो फिर तो अभी मेरी लाइफ खुश है उस वजह से। अच्छा जी। तो आप बड़ा क्यूट और बड़ा मजेदार, बड़ा इनोवेटिव आइडिया निकाला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। एक बात और जी, मेरी वाइफ हमेशा पूछती है आपका शो देख के। अच्छा जी। ये कपिल सर कोई भी खूबसूरत लड़की आती है फ्लर्ट करते हैं, इनकी बीवी कुछ बोलती नहीं है घर पे? बोल बोल। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसे जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जी, तो कितने लोग आते हैं सफर करते हैं उसमें, लेकिन रजिस्ट्री तो गवर्नमेंट के नाम है। तो उनकी गाड़ी तो सुरक्षित है जी। थोड़ा सा मतलब लेट्स चेंज द टॉपिक। पर बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जिन्होंने? जी मैडम। अरे वाह, कितनी प्यारी साड़ी पहनी है आपने। थैंक यू सो मच। आई एम नंदिता गांगुली, जेम स्कूल नासिक की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आई एम इन एजुकेशन फील्ड फॉर 43 इयर्स से हूँ। अरे वाह। पर बोला जाता है कि टीवी इज ए इडियट बॉक्स जी, पर मैं कहती हूँ टीवी तो एक जीने का जरिया हो गया है। और जब से आप आए हो इस शो में, थैंक यू मैम, आई लिव योर लाइफ। थैंक यू। बच्चों को खुशियाँ देती हूँ, बच्चे खुश होते हैं मुझसे, एंड जो आपका ये स्टाइल है ये मेरा भी स्टाइल है। लिव लाइफ किंग साइज। किंग साइज। कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू? या श्योर श्योर मैम, आइए। ऐसे स्टाइल। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई हैव लिव्ड माय लाइफ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आई ब्लेस यू। थैंक यू मैम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।